हमारे हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर और हमारे डेप्टी कमिश्नर्स और सुप्रिंटेंडेंट पुलिस मार्केटिंग बोर्ड एपीएमसी के साथ। तो इसमें जो हमने इस बार ये फैसला किया था कि सेब जो है या दूसरे फल जो है बाय वेट बिकेंगे, तो उसी को लेकर ये बैठक थी। और जो हमें सेब सीज़न को लेकर चाहे ट्रैफिक की व्यवस्था है, चाहे कंट्रोल रूम्स हैं, ये चाहे हमें जो है मार्केट में व्यवस्था देखनी है, उन सब पे जो है विचार किया गया और सबको तैयारी जो इन्होंने की है उसका जो है समीक्षा की गई। सर, 24 kg की लिमिट हटाने की बात की जा रही थी, आपने भी कहा है, तो आज क्या इस पर कोई फैसला हुआ, कोई इस पर डेलीब्रेशन? अभी इस पर डेलीब्रेशन ही हो रहे हैं, अभी कल का दिन और है जिसमें और भी लोगों से डेलीब्रेट करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर जो है फाइनल फैसला लिया गया। सर, आज की जो मीटिंग थी इसमें क्या बागवान भी थे या आरती थे? नहीं, आज ये जो है इंटरनल डिपार्टमेंटल मीटिंग थी, इसमें कोई वो नहीं था। जो कल वाली मीटिंग उसमें कौन? कल के बैठक में जो है हमारे माननीय जो है विधायक गण होंगे। और सर, किलो के हिसाब से जो सेब बिक रहा है मंडी में, उसमें बागवान भी परेशान है और आड़ती भी परेशान है, उनका कहना है कि अगर यूनिवर्सल काटना चाहता तो ठीक है, लेकिन किलो के हिसाब से परेशानी आ रही है। नहीं, मैं बार बार जो है इसका आपको जवाब दे चुका हूँ, सेब बिकेगा बाय वेट ही बिकेगा, इसमें ना तो बागवान को परेशानी है ना तो आड़तियों को परेशानी है, ये पता नहीं किसको परेशानी है। तीन बैठकें हमने जो है आज नहीं कई हफ्ते पहले डायरेक्टर लेवल पर, सेक्रेटरी लेवल पर, मंत्री लेवल पर की, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स, जिसमें आड़ती एसोसिएशन, हमारे जो बागवानी एसोसिएशन के हैं, सबसे बैठक करके किसी ने भी इन बातों का एतराज़ उस समय नहीं किया। परंतु आज ठीक जब मार्केट में सेब आना शुरू हुआ है और सेब बढ़िया किलो के हिसाब से बिक रहा है, किसको परेशानी है? सर, कुछ इंस्टेंसेस ऐसे आए हैं, तो बागवानों ने एक सपोज किया 26 kg की पेटी लाई है, उसमें 4 kg काटे गए और कहीं के 2 kg काटे गए, जो तो खैर इस तरह का नहीं। ये भी जो है गलत प्रचार हो रहा है, सेब का वजन नहीं काटा जा रहा है, अगर जो काटा जा रहा है तो वो कार्टन का वजन काटा जा रहा है और कार्टन का जो वजन है वो तो जाहिर से काटा ही जाएगा। हम जो है वेट किस चीज़ का ले रहे हैं? वेट हम फल का वेट का जो है उसका रेट देंगे ना, हम जो है बारदाने का रेट थोड़ी दे रहे हैं। सर, आरतीयों की इसमें शिकायत है कि अभी सेब कम आ रहा है, लेकिन जब सेब पीक पर, सीजन पीक पर जाएगा तब जो है वो तोड़ने में बड़ी दिक्कत मंडियों में आएगी, जगह कम है प्रदेश की मंडियों में। ये भी बात जो है मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा जो है ट्रक तो कभी ये तोलते नहीं है, ये जो है सिर्फ सैंपल तोलते हैं, तो सैंपल तो अभी भी आराम से तोला जा सकता है। मैं पराला मंडी में जाकर आया, आड़तियों ने जो है वहाँ पर वेइंग मशीन जो है इलेक्ट्रॉनिक के छोटे छोटे लगाए हुए हैं, तो वो जो है सैंपल तोड़ के उससे भी लगाएंगे। अगर सैंपल में अगर गड़बड़ी होगी, या अभी नारकंडे में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर जब आप देख रहे होंगे वहाँ एक एक पेटी तोड़ के जो है उसमें ट्रकों में लोड कर रहे हैं, तो ये कुछ लोगों की शिकायत हो सकती है, पर बाय लार्ज जो है लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि बाय वेट जो है बिकना चाहिए और हम जो है इसको बाय वेट बेचेंगे। सर, आपने बागवानों से के साथ भी मीटिंग की है, किस तरह की सेब की फसल होने की उम्मीद है इस बार? इस बार पिछले वर्ष के से सेब कम होगा, पर बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है कि पिछले बार अगर 3 crore था तो इस बार 2 crore से कुछ और हो सकता है इतना। पुलिस जवान जहाँ जहाँ जितनी जरूरत होगी उतने हम लगाएंगे। हाँ, उसके लिए आपने ठीक बताया कि आप जो GPS सिस्टम जो है बाहर से आने वाले ट्रकों के ऊपर कंपलसरी करने जा रहे हैं। सर, जो आप जो इसका भाड़ा है वो क्या इस बार वेट के हिसाब से होगा या किस तरह से आप तय करेंगे? हाँ, बिल्कुल बाय वेट और किलोमीटर के हिसाब से होगा, जैसे अन्य जो है हमारे जो जितने भी गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं उसी के हिसाब से होगा।